एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बनारस का बंदा था, पढ़ाई में बड़ा तेज वो। बनारस का बंदा था, पढ़ाई में बड़ा तेज वो। क्लास में करता टॉप, ऐसा था ब्रेव वो। सीए बनने की मन में उसने ठानी थी, अपने हाथों लिखी अपनी कहानी थी। मेहनत और लगन से करके दिखाया था, बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था। बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था। पर महंगी पढ़ाई से परेशान था, इसी वजह से शुरू किया स्टडी एट होम। स्टडी एट होम। देश के लिए कुछ करके दिखाना था, कुछ करके दिखाना था। भारत को पढ़ाना था, कम फीस में उनको काबिल बनाना था। देखते ही देखते मुकाम वो पा गया, बनारस का बंदा देखो भारत में छा गया। ग्लोबल टीचिंग में इनका बड़ा नाम है, लाखों बच्चों की देखो ये जान है। सोनू सूद ने दिया इनको IFA अवार्ड था, योगी सरकार से मिला इनको रिवॉर्ड था। मोदी से मिला इनको सम्मान है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड पर लिखा अपना नाम है। बनारस का बंदा देखो दिलों पे छा गया। जानना चाहोगे क्या तुम क्या उसका नाम है? राज के अग्रवाल इनका नाम है। We have already learned with section 28, that is the charging section of PGBP, and we got to know that under this head, income of business or profession will be taxable. But there is one more term which is quite similar to profession, and what is that word? Vocation. पता है आपको vocation क्या चीज होती है? आप देखो कि बड़े सारे टीवी शोज आते हैं, डांस इंडिया डांस, तो टैलेंट हंट, समवट लाइक दैट, जिसमें आप देखते हो 4 साल का बच्चा, तो कोई 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आएगा और कमाल का डांस करता है, ठीक है, और उससे वो इनकम भी अर्न करता है। निश्चित है उस टीवी शोज में कुछ ना कुछ उसे प्राइज मनी रिसीव होती है। कुछ इसी तरीके के सिंगिंग शोज भी आते हैं, ठीक है, टैलेंट हंट वाले, जिसमें यू विल फाइंड कि 5 साल का कोई बच्चा आता है और बड़ा सुंदर सा गाना गाता है और वो प्राइज मनी भी जीतता है लाखों रुपए की। आपको क्या लगता है ये सब उसने एक्वायर किया है? वो जो 2 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा है जबरदस्त डांस कर रहा है, या फिर वो 2 साल और 4 साल का बच्चा जो जबरदस्त गाना गा रहा है, आपको क्या लगता है वो स्किल उसने एक्वायर किया है? नहीं, वो गॉड गिफ्टेड स्किल है, उसने वो स्किल पाई है, ठीक है। अगर आप अपनी इनहेरेंट स्किल को यूज करते हो और उससे कुछ कमाते हो तो उसे कहा जाता है वोकेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? आप सब लोग प्रोफेशनल बनने वाले हैं, ठीक है। क्या आप में इनहेरेंट स्किल है वो प्रोफेशनल बनने की? नहीं। अगर आप में इनहेरेंट स्किल होती तो शायद आज आप हमारी क्लास में ना बैठे होते। यू डू नॉट हैव दैट इनहेरेंट स्किल। आप उस स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, आप उस स्किल को धीरे धीरे एक्वायर कर रहे हैं, और जब आप कैपेबल हो जाएंगे तो प्रोफेशनल बन जाएंगे। लेकिन पक्की सी बात है कि वो 2 साल का बच्चा जो जबरदस्त डांस कर रहा है, भले उसने कुछ प्रैक्टिस की होगी, लेकिन वो उसमें इनहेरेंट स्किल था, उसने एक्वायर नहीं किया है, वो इनहेरेंट स्किल था। जिस दिन पैदा हुआ था ना, उस दिन में डांस करते करते निकला था मां की पेट से। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड वोकेशन। प्रोफेशन इज समथिंग वेयर यू एक्वायर नॉलेज एंड देन यू अप्लाई इट। पेशेंटली यू एक्वायर द नॉलेज, समय भी लगता है उस नॉलेज को एक्वायर करने में, और फिर हम उसे अप्लाई करते हैं और इनकम अर्न करते हैं। इसे कहा जाता है प्रोफेशन।
वोकेशन क्या होता है, हम अपनी इनहेरेंट स्किल की मदद से क्या करते हैं, कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं जिससे हम इनकम अर्न करते हैं, राइट। इनफैक्ट पीजीबीपी हेड में प्रोफेशन और वोकेशन को क्लासिफाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनकम चाहे प्रोफेशन की हो चाहे वोकेशन की हो वो टैक्सेबल तो कहां होनी है, पीजीबीपी में, ठीक है। इनफैक्ट आपको तो बिजनेस और प्रोफेशन भी बहुत हद तक क्लासिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, एज बिकॉज वेदर इट इज बिजनेस और प्रोफेशन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो लेट अस नाउ कंक्लूड दिस पॉइंट, वेदर द इनकम इज अ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, राइट। वन थिंग मोर, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ योर बिजनेस। आपके पास पैसे एक्सटॉर्शन मनी से आते हैं, ठीक है, किडनैपिंग से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से आते हैं, स्मगलिंग से आते हैं। यू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी लेना, ठीक है, किसी को मारने की। आपके पास पैसे इन सब कामों के आते हैं, क्या इनकम टैक्स इन इनकम पे भी टैक्स देने को कहता है? आपके पास रंगदारी का पैसा आता है, रंगदारी यू अंडरस्टैंड, धमकी देके पैसे वसूलते हो आप, ठीक है, आप कहते हो कि हम दाऊद के आदमी है, ठीक है, 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो, 2 खोखा पहुंचा दो, इन देयर लैंग्वेज, राइट। तो अगर आपके पास एक्सटॉर्शन मनी आता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पैसा आता है, किडनैपिंग से पैसा आता है, तो क्या इन इनकम पे भी टैक्स देना है? हाँ, इनकम टैक्स कहता है कि आपका बिजनेस लीगल है कि इलीगल, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं, आप जो भी कमाते हैं आप उस पर मुझे टैक्स दीजिए। और ध्यान दीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करते हैं, आप लोगों को उड़ाते हैं, ठीक है, आपका ये बिजनेस है, और आप इनकम टैक्स बकायदा देते हैं, 1 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की इनकम आती है और आप 30 लाख रुपए टैक्स सरकार को जमा कर देते हैं। पता है, इनकम टैक्स की नजर में आप भगवान हैं, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। इनकम टैक्स को इन बातों से मतलब नहीं कि दूसरे कानून आपके ऊपर लगते हैं कि नहीं, हां क्रिमिनल लॉ आपको छोड़ेगा नहीं, वो तो पकड़ लेगा आपको, दबोच लेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया है। लेकिन इनकम टैक्स उसके लिए आप जैसा अच्छा इंसान ही कोई नहीं है। इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ वेदर योर बिजनेस इज लीगल और इलीगल। इनकम टैक्स कहता है इनकम जैसी भी हो, इनकम पे इनकम टैक्स दीजिए। अंडरस्टूड? कहने का मतलब यह है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, ठीक है, पैसे आपके पास आते हैं और इनकम टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ तो पकड़ेगा ही, साथ में इनकम टैक्स लॉ भी पकड़ेगा आपको, कहेगा मेरा टैक्स कहां गया, ठीक है। बात याद तक क्लियर है? चलिए आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। द फर्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन और वोकेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, प्रोफेशन के अंदर ही वोकेशन आता है। द वर्ड प्रोफेशन इंप्लाइज प्रोफेस्ड अटेनमेंट इन स्पेशल नॉलेज विच इज टू बी एक्वायर्ड ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी एंड एप्लीकेशन। वोकेशन इंप्लाइज नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर सम पर्टिकुलर वर्क। वोकेशन तो क्या है? नेचुरल एबिलिटी है, गॉड गिफ्टेड। एज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और वोकेशन आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोफेशन वोकेशन बिजनेस डज नॉट हैव एनी मटेरियल सिग्निफिकेंस। कहता है चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या वोकेशन हो, इनकम तो इसी हेड में टैक्सेबल होगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कौन सी है, वेदर बिजनेस है, प्रोफेशन है या वोकेशन है, क्योंकि टैक्सेबल तो पीजीबीपी में ही होनी है। इलीगल बिजनेस, द इनकम टैक्स लॉ इज नॉट कंसर्न विद द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट द इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन इज ऑल्सो टैक्सेबल। बिजनेस इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन, वो भी टैक्सेबल है। अब आइए आपको हम समझाते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। इसके आगे जो पूरा पीजीबीपी चैप्टर है वो ऐसा समझ लीजिए कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है हमारा स्पेसिफिक डिडक्शंस अंडर दैट, और दूसरा सेक्शन है इसका एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली disallowed। दोनों हेडिंग का मतलब समझाते हैं। पूरा चैप्टर अब इस 2 हेडिंग में डिवाइडेड है। पहली हेडिंग है स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर द एक्ट। स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर द एक्ट का मतलब यह होता है आपको यह बताया जाएगा कि
एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत कौन कौन से खर्चे की डिडक्शन मिलती है पीजीबीपी की इनकम निकालते समय। स्पेसिफिक डिडक्शंस का मतलब है एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, ठीक है, और इस हेडिंग का मतलब क्या है एक्सपेंसेस विच आर डिस अलाउड। मतलब पहले हम लोग एक लंबी चौड़ी लिस्ट देखने वाले हैं एक्सपेंसेस विच आर अलाउड की, मतलब कौन कौन से खर्चे इनकम टैक्स में कंसिडर किए जाते हैं इनकम निकालने के लिए। फिर इनकम टैक्स कहेगा देखो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिस अलाउड है, ये अलाउ नहीं होंगे आपको, यानी आपकी इनकम निकालते समय इन खर्चों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए इस बात का मतलब समझाएं। जैसे मैंने ये एक पीएल बना रखा है अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें बड़े सारे खर्चे चार्ज कर रखे हैं जिसका नाम है एक्सपेंस ए, एक्सपेंस बी। बच्चों मैं एक्सपेंस का नाम नहीं ले रहा, वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी तो आपको जानकारी है नहीं कि क्या अलाउड है क्या डिस अलाउड है, तो मैं एक्सपेंसेस का नाम ले लेता हूं। ये एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेप्रिशिएशन, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, व्हाटएवर, राइट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा एंड सो ऑन। हम खर्चों का नाम लेने की बजाय इस तरीके से लिख देते हैं एक्सपेंस ए, एक्सपेंस बी, एक्सपेंस सी, एक्सपेंस डी, एक्सपेंस ई, राइट, और यहां पर आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है, और इधर है बाई रेवेन्यू। अब जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे, पहला वाला पोर्शन पढ़ेंगे एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, तो हमें शायद ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसमें ये लिखा हो कि ए देखो अलाउड है, अच्छा बड़ी सुंदर बात है, ए अलाउड है तो हम को कोई टेंशन ही नहीं है, बी भी अलाउड है, ओके, डी अलाउड है और ई अलाउड है, बड़ी सुंदर बात। उसके बाद जब हमने पढ़ा एक्सपेंसेस विच आर डिस अलाउड, तो इसमें पता चला सी जो होता है वो डिस अलाउड होता है, वो अलाउड होता ही नहीं है, सी जो है वो डिस अलाउड है, वो अलाउड होता ही नहीं है। जब मुझे ये पता चला कि सी डिस अलाउड है, वो होता ये वो खर्चा माना ही नहीं जाता है इनकम टैक्स के हिसाब से, तो यानी पता है मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, इस प्रॉफिट में एक्सपेंस सी को एड कर देना होगा और अब जो आएगा इसे कहा जाएगा पीजीबीपी। सबको बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि अगर ये खर्चा अलाउड नहीं है तो यानी ये इतना खर्चा हमने प्रॉफिट निकालते समय तो ये खर्चा कंसीडर कर लिया था ना सी को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस खर्चे को वापस से प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा तो आएगा पीजीबीपी। तो जो खर्चे अलाउड होते हैं वहां परेशानी नहीं है, जो खर्चे डिस अलाउड होते हैं उन खर्चों को वापस से जोड़ना पड़ता है इनकम में, तब जाके निकलती है आपकी पीजीबीपी की इनकम। जब हम पहली हेडिंग करेंगे और कहेंगे कि एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, ये खर्चा अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, आपको ठीक भी लगेगा, आपको भी सही बात है, जेन्युइन बिजनेस का खर्चा है क्यों नहीं अलाउड होगा, होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा पेन वहां पे नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन जब हम आपसे कहेंगे कि एक्सपेंसेस विच आर डिस अलाउड, ये खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये भी तो बिजनेस का खर्चा है, जेन्युइन बिजनेस खर्चा है, ये क्यों डिस अलाउड हो जा रहा है, क्यों इनकम टैक्स इसको खर्चे को खर्चा नहीं मानता, क्यों घटाने नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि देखिए अगर इनकम टैक्स इस खर्चे को अलाउ कर देता, इसे घटाने के लिए दे देता, तो मार्केट में ये टैक्स प्लानिंग हो जाती और लोग इस कदर टैक्स को बचाना शुरू कर देते। इस खर्चे को न घटाए दिया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, यहां पे जोर देना पड़ेगा दिमाग पे और समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्राइम ऑफिस यही लगेगा कि अरे ये भी तो बिजनेस का खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, एकदम जेन्युइन खर्चा है, क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए, आपको लगेगा कि अलाउ होना चाहिए। तो सबको बात समझ में आ रही है, एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, ये तो एकदम सीधी सी बात है, कहता है खर्चा अलाउ है और आपको भी लगेगा कि ये अलाउड है, लेकिन जब भी हम आपको सिखाएंगे ना एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, तो कभी कभी ऐसा भी बताएंगे कि देखिए एक्सपेंसेस ये अलाउड है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे, कहने का मतलब इस हेडिंग में भी कभी कभी आपको रिवर्स चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो खर्चा डिस अलाउ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा एक्सपेंसेस विच आर अलाउड एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज नहीं है कि ये अलाउ हो गया, कभी कभी होगा कि ये एक्सपेंस अलाउड है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मींस कि इस हेडिंग में भी हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा खर्चा अलाउड नहीं है। कैसे मिलेगा,
क्योंकि अगर वो कंडीशन जिसके बेसिस पे खर्चा अलाउ हो रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई ही नहीं, तब तो खर्चा क्या हो जाएगा? डिस अलाउ। क्लियर है बात? एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली डिस अलाउड, उसमें तो क्लियर कट बोलेगा कि भाई देखिए ये खर्चा तो क्या होगा, डिस अलाउ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यहां पे भी ऐसा बोलेगा, कहेगा कि लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं मीट हो रही है, अगर ऐसा नहीं है तो अलाउ भी हो सकता है। मतलब एक्सपेंसिव विच आर डिस अलाउड में ये भी बताएगा कि खर्चा तो डिस अलाउड है, लेकिन डिस अलाउ के पीछे लॉजिक था कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा तो डिस अलाउड है। लेकिन अगर वो ये भी कहेगा साथ में कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अलाउड भी है, यानी चाहे हेडिंग ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में हम अलाउड और डिसअलाउड दोनों ही समझ रहे हैं मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन यहां पे हम समझ रहे हैं वो खर्चे जो अलाउड है, और यहां पे हम उस लैंग्वेज में समझेंगे जो खर्चे डिसअलाउड है, ठीक है। हालांकि यहां पे भी बात आएगी कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो खर्चा डिसअलाउड है, और यहां पे भी बात वही आएगी कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो खर्चा अलाउड है, क्योंकि डिसअलाउ होने की कंडीशन दी होगी, ठीक है, कि ये बात है तो डिसअलाउड है, अगर वो बातें नहीं है तो ऑटोमेटिक अलाउड भी है। समझ आया बात आपको? तो दो क्वेश्चन में हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है, एक्सपेंसिव विच आर अलाउड और एक्सपेंसिव विच आर डिसअलाउड। और अगर खर्चा अलाउड है तो वो खर्चे पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए कंसिडर किए जाएंगे, अगर एक खर्चा डिसअलाउड है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस खर्चे को चार्ज कर रखा है जो कि डिसअलाउड है, तो वो आपकी इनकम को वापस से बढ़ा देगा, आपकी पीजीबीपी इनकम इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड। ये स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर द एक्ट का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस विच आर अलाउड, एक्सपेंसेस विच आर अलाउड। क्या है इस सेक्शन में देख लीजिए, सेक्शन 30-37 कवर्स एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड इज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। सेक्शन 30-37 कवर्स एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड इज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। The following deductions are allowed in respect of rent, rate, taxes, repair and insurance for premises used for the purpose of business or profession. अगर आप rent pay करते हो, rates, taxes एक ही चीज होता है, ठीक है, repair and insurance for building, कौन सी building? जिस building में आप business कर रहे हो। अगर आप एक building का किराया दे रहे हो, ठीक है, business के लिए use की जाने वाली building, उसका किराया दे रहे हो, उससे related कुछ taxes जमा करते हैं, जैसे house tax वगैरह जमा कर रहे हैं, किसका? commercial building का, ठीक है। रिपेयर एंड इंश्योरेंस, रिपेयर करा रहे हैं उस बिल्डिंग का, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है, तो क्या ये खर्चा बिजनेस का है? ऑब्वियसली है, यही कह रहा है सेक्शन 30 कि हम आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। लेकिन रेंट की बात तो तभी आएगी जब आप उस बिल्डिंग के टेनेंट हो। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बिल्डिंग के ओनर हैं तो टेनेंट रेंट जैसा खर्चा तो होगा ही नहीं, राइट। रेट्स एंड टैक्सेस, अब भाई जहां तक रही बात की प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस की, तो वो तो कोई भी पे कर सकता है, हो सकता है लैंडलॉर्ड भी पे कर रहा हो, सकता है टेनेंट पे कर रहा हो, ठीक है। आपने अगर पे किया है, चाहे आप टेनेंट हो या उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो बिल्डिंग को और आपने पे किया है, तो घटा लीजिए, ठीक है। वही बात रिपेयर इंश्योरेंस के लिए है भाई, कि आप बिल्डिंग के टेनेंट हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, अगर आप उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में रिपेयर और इंश्योरेंस का पैसा जमा कर रहे हो, तो ये आपके बिजनेस का खर्चा है, इसे आप अलाउ कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां लैंडलॉर्ड और टेनेंट से मतलब क्या है मेरा, कि हम ही मकान के मालिक हैं और हम ही अपना बिजनेस करते हैं, और मेरे टेनेंट कहने का मकसद यह है कि जिस बिल्डिंग को पे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, वो मैंने किराए पे लेके अपना बिजनेस कर रहा हूं, वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रही है दोनों ही केसेस में। The following deductions are allowed in respect of rent, rates, taxes, repair and insurance for premises used for the purpose of business or profession. Number one, where the premises are occupied by the SEC as a tenant. Agar aap tenant ho, wahan pe, theek hai, rent paid for such premises, iski deduction milegi. And further, if he has undertaken to bear the cost of repair to the premises, agar aapne repair kara hai, to repair ka kharcha bhi allow hoga. The amount paid on account of such repair. As a landlord,
मतलब अगर आप ओनर उस बिल्डिंग के और अपना बिजनेस कर रहे हो तो फिर भाई रेंट वाली बात नहीं आएगी, फिर रिपेयर वाली बात ही सीधे कह रहा है। द अमाउंट पेड बाई एम ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर, वॉट डू मीन बाई करेंट रिपेयर? पहले करंट रिपेयर नहीं बोल रहा था बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, वहां बोल रहा था द बियर ऑन कॉस्ट ऑफ रिपेयर। अगर आप टेनेंट हो तो रिपेयर का खर्चा अलग होगा, अगर आप ओनर हो तो करंट रिपेयर अलग होगा। करंट रिपेयर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू खर्चा। करंट रिपेयर का मतलब रेवेन्यू, करंट स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, ठीक है, इसका मतलब है रेवेन्यू खर्चा। अगर हम बिल्डिंग के ओनर हैं, ठीक है, और हमने कैपिटल खर्चा बिल्डिंग ने किया है, बिल्डिंग दो फ्लोर की थी, एक फ्लोर और बनवा दिए, तो क्या ये रिपेयर का खर्चा कहलाता है? नहीं, ये एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, ये कैपिटल खर्चा है, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और डिप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे दीवारें खराब हो गई थी, कुछ मैंने रिपेयर मेंटेनेंस कराया, तो ये खर्चा करंट रिपेयर है और ये पीएल में जाएगा। यही कह रहा है कि अगर आप ओनर हो तो करंट रिपेयर का खर्चा पीएल में डाल देंगे। एक बात बताइए, अगर हम टेनेंट होंगे, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा दो फ्लोर की बिल्डिंग हमने ली है किराए पे और हमने एक फ्लोर और बनवा दिया उस पे, अरे किराए का मकान है, हम क्यों भला एक फ्लोर और बनवाने लग जाए? तो वहां पे करंट रिपेयर और रेवेन्यू रिपेयर जैसी बात ही नहीं आएगी, हम हल्का फुल्का ही रिपेयर कराएंगे, हम कौन सा एक फ्लोर और बनवा देंगे। तो वहां पे कह रहा है रिपेयर, जो भी कराए रिपेयर, वॉट एवर रिपेयर यू हैव डन, वो आपको अलाउ होगा अगर आप टेनेंट हो तो। लेकिन अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो हम देखेंगे आपका रिपेयर कौन सा है, वेदर इट इज अ करंट रिपेयर और इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। In case it is a current repair, then we'll allow you. In case it is a capital expenditure, because if you are owner of the building, maybe what you have done, you have created one new floor. That expenditure will be treated as capital expenditure and you will be claiming only depreciation on it. The amount paid by him on account of current repair to the premises, current repair are those repairs which are done to maintain the building. करंट रिपेयर उस रिपेयर को कहा जाता है जिससे बिल्डिंग मेंटेन होती है, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेकंड पॉइंट, एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स और म्युनिसिपल टैक्सेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज स्पेसिफाइड बाई सेक्शन 43B। एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स और म्युनिसिपल टैक्सेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज स्पेसिफाइड बाई सेक्शन 43B। अगर आप लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स और म्युनिसिपल टैक्सेस दे रहे हो, कुल मिला के मैं इन तीनों की जगह पे लिख देता हूं हाउस टैक्स। लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, एक ही चीज है तीनों। जहां म्युनिसिपैलिटी होती है वहां म्युनिसिपल टैक्सेस बोलते हैं, लोकल रेट्स वगैरह कुछ जगह पे बोले जाते होंगे, या ये सब समझ लीजिए वो टर्म है जो पहले यूज होते थे अब खत्म हो गए। लैंड रेवेन्यू तो बहुत पुराना वर्ड है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू तो बहुत पहले जब बेसिकली अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे ना, तो वो यूज करते थे ये वर्ड लैंड रेवेन्यू, हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पास जितनी बड़ी जमीन होती थी, जितनी फसल होती थी, उसके हिसाब से वो कुछ लेते थे पेमेंट। आपने एक मूवी भी देखी होगी लगान, ठीक है, तो दैट वॉज बेसिकली लैंड रेवेन्यू, लगान कलेक्ट करते थे वो। तो ये सब वर्ड अब खत्म हो चुका है, आज के जमाने में ये सब यूज होता नहीं है। आप कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए हाउस टैक्स। अब इनकम टैक्स में लिखा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, एक्ट में अभी भी कानून में हमारे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कानून हमारा बना ही कब था इनकम टैक्स एक्ट, मालूम है आपको? हाँ पता है आपको, 1961 से चला आ रहा है ये कानून। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनका आज प्रयोग ही नहीं है, लेकिन भाई कानून बहुत पुराना है इसलिए ये वर्ड दिख रहा है। और शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत जल्द आप एक नया कानून देखने जा रहे हो जो पूरे इनकम टैक्स को खत्म कर देगा। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा, जैसे जीएसटी एक नया कानून आया और पुराने सारे कानून को खत्म कर दिया, वैट था पहले, सीएसटी था, एक्साइज था, ये सर्विस टैक्स, इन सबको खत्म करके एक नया कानून आया जीएसटी। उसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट को भी खत्म करके एक नया कानून आने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस नए कानून को लाने के लिए। मे बी इसका नाम कुछ डायरेक्ट टैक्स कोड या फिर इनकम टैक्स कोड, कुछ इस तरीके का नाम इसका प्लान हो रहा है, ठीक है। तो ये कानून भी खत्म हो चुका होगा आने वाले समय में और एक नया कानून तैयार हो जाएगा। और समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी होता है, बहुत सारी चीज हमारे कानून में जो लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट में वो बहुत आउटडेट हो चुकी है, ठीक है, और ये कानून वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। होता क्या है ना
कि गवर्नमेंट एक कानून बनाती है, ठीक है, पब्लिक उसमें कुछ प्लान करता है, गवर्नमेंट फिर ये रास्ता बंद करती है, फिर कोई प्लानिंग करता है ये रास्ता बंद करती है, ये रास्ता बंद करती है, करते करते कानून बहुत फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसे सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता पड़ती है, एक नया कानून बनाया जाए, पूरी बात सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। और ये सचमुच बहुत पुराना हो भी चुका है, तो इसमें निश्चित एक सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पुराने इतने सारे कानून को खत्म करके जीएसटी लाया, क्या ये एक सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, जो गवर्नमेंट कहती भी है कि हमने कानून को बहुत ही सुंदर और सरल बना दिया है। सच पूछिए तो कानून सचमुच सरल है। होता क्या है कि कोई भी नई चीज लोगों को समझने में समय लगती है। सोचिए एक इंसान इतने सारे कानून का पालन कर रहा था, वैट का, सीएसटी का, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का, उन सब की जगह बस एक कानून का पालन करना है तो आसान तो हुआ है, लेकिन है क्या, सिंस ये कानून नया है इसलिए लोगों को समझने में समय लगेगा, ठीक है। और सिंस ये कानून टेक्नोलॉजी बेस्ड है पूरा का पूरा, तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसके बग्स रिमूव होते हैं, क्योंकि तो टेक्नोलॉजी वो चीज है जब हम काम करते हैं तो पता चलता है यहां फंस गए, सॉफ्टवेयर में ये कमी है, वो तो काम करने पे पता चलता है, ठीक है। और पूरा का पूरा जीएसटी का मैकेनिज्म किस पे है, टेक्नोलॉजी पे, और इसलिए भी हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये ग्रेजुअली थोड़ा सा समय लेगा जिससे ये स्टेबलाइज हो जाएगा। कानून सरल है, बिल्कुल सरल है, ठीक है, इतने सारे कानून को हटा के अगर एक कानून बनाया गया है तो सरल तो है ही। तो इनकम टैक्स का कानून भी सरल बनाने की आवश्यकता है, आम लोग उसे समझ सके, ये सरकार की एक बड़ी आवश्यकता है। पता है बहुत सारे लोग कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूं, दिल से ये बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कानून का पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कानून समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे होंगे जो चाहते होंगे इनकम टैक्स दे दें, लेकिन पता ही नहीं है कुछ इनकम टैक्स के बारे में, ना समझ में आता है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। शायद अगर उनको इनकम टैक्स बहुत आसान होता ना, बहुत सिंपल सी बात होती, तो शायद और बहुत सारे लोग इनकम टैक्स दे रहे होते। ठीक है, आज देखिए बहुत सारे लोग हैं गांव में, करोड़ों रुपए की जमीन रखे हैं, बेच देते हैं, करोड़ रुपए आ जाता है, उनसे पूछिए कि आपको इस पे टैक्स देना, उनको पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो टैक्स नहीं दे रहे, उनको मालूम ही नहीं है कि इस पे कैपिटल गेन टैक्स होता है और ये जमा करना होता है। तो शायद सिस्टम ऐसा बन जाए कि कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए सब चीज। अगर मेरे ऊपर ये कानून लगता है तो सिस्टम इस कदर बना दे सरकार कि वो काम अपने आप हो जाए। जब पिक्चर हॉल में हम घुसते हैं तो हमें किसी से कानून सीखना नहीं पड़ता कि टिकट लेके खरीदना है, क्योंकि वहां पे एक आदमी खड़ा होता है और टिकट आपके पास नहीं होगी तो आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा, अपने आप कानून का पालन होगी, हम टिकट लेके ही अंदर घुस रहे हैं। सोचिए ना, कोई कानून बनाया गया क्या, कुछ सिखाया गया क्या, पढ़ाया गया क्या, नहीं, ऑटोमेटिक उसका पालन हो गया। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म सरकार को बनाना पड़ेगा जहां पे कानून के पालन करने के लिए, कानून को कंप्लाई करने के लिए, किसी भी लॉ को कंप्लाई करने के लिए हमें एफर्ट ना लेना पड़े, वो ऑटोमेटिक कंप्लाई हो जाए। जीएसटी का कानून शायद उसी मैकेनिज्म पे डिवाइस किया गया है। कुछ हद तक जीएसटी का कानून ऐसा है कि टेक्नोलॉजी सारी चीजों को टेकअप कर लेगी, शायद आपको कम एफर्ट लेना पड़ेगा और कानून का पालन हो जाएगा। इनकम टैक्स में वो आवश्यकता है, दैट इज रिक्वायर्ड इन इनकम टैक्स ऑल्सो। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स और म्यूनिसिपल टैक्सेस, मतलब कि अगर आपने टैक्सेस पे किया है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में तो दैट विल बी अलाउड टू यू। वेदर यू आर टेनेंट और लैंडलॉर्ड, क्योंकि देखिए पॉइंट नंबर टू में नहीं बोल रहा है कि आप टेनेंट होगी लैंडलॉर्ड, क्योंकि चाहे आप टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने पे किया है टैक्सेस, हाउस टैक्सेस, तो ये आपका बिजनेस का खर्चा है। कौन सा हाउस टैक्स पे किया है, उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में आपने हाउस टैक्स पे किया है जिस बिल्डिंग को आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइसिस, इफ यू आर पेइंग एनी प्रीमियम,
Which premium? Insurance premium. On account of risk or damage or destruction of the premises. भाई इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों जमा करते हैं? कह रहा है कि बिल्डिंग के डैमेज हो जाने के रिस्क को आप इंश्योर कर रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा रहे हो, उसकी प्रीमियम जमा कर रहे हो, तो चाहे आप लैंडलॉर्ड हो बिल्डिंग के चाहे टेनेंट हो बिल्डिंग के, ठीक है, आपने अगर प्रीमियम जमा किया है तो आपको वो खर्चे की तरह अलाउ होगा। तो देखिए कितनी बातें हो गई। देखिए रेंट के लिए क्या बोला, अगर टेनेंट हो तो अलाउ होगा, रेंट के लिए ये बोला। रेट्स एंड टैक्सेस के लिए बोला कि आप चाहे कोई भी हो अलाउ होगा। रिपेयर के लिए क्या बोला, कहा कि अगर आप टेनेंट हो तो रिपेयर अलाउ होगा, लेकिन अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो करंट रिपेयर अलाउ होगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड के केस में हम देखेंगे रिपेयर कौन सा है, कैपिटल रिपेयर है या रेवेन्यू रिपेयर है। कैपिटल रिपेयर है तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, करंट रिपेयर है तो पीएल में अलाउ कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस के लिए क्या बोला, कहा जो भी हो आप अलाउ होगा। लेकिन अब टैक्सेस के लिए एक बात बोला था जहां पर मैंने हाईलाइट नहीं किया था और अब हाईलाइट करने जा रहा हूं। यहां पे बोलता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 43B, मतलब सब्जेक्ट टू 43B, इसका क्या मतलब है? फोर्टी थ्री बी क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अभी आपको 43B क्या होता है ये पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा बताने वाली पोजीशन में अभी आप हैं नहीं, ठीक है, ग्रेजुअली थोड़ा सा और सीखते हैं हम लोग, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग 5-6 क्लासेस अभी और लगा देंगे, अभी 43 भी नहीं बताएंगे, अभी अगले 5-6 क्लासेस तक नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। अभी बताने जा रहे हैं 43 भी, लेकिन पार्शियली थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, उतना बताएंगे जितना आप अभी टेकअप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समय आएगा जब आपको हम 43B पूरा बताएंगे। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में मुझसे यह पढ़ा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल कब होती है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। यू रिमेंबर मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम लोग ने सभी हेड ऑफ इनकम के लिए पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था सैलरी की इनकम टैक्सेबल कब होती है, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, हाउस प्रॉपर्टी ऑन एक्रूअल बेसिस, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस। पीजीबीपी और अदर सोर्सेस कब टैक्सेबल होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस दोनों ही अलाउड है। कैश बेसिस अकाउंटिंग भी कर सकते हो और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग भी कर सकते हो, कहां पे, पीजीबीपी में और अदर सोर्सेस में। अच्छा, और कैपिटल गेन के लिए क्या बताया था, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल आप कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करते हो उस साल कैपिटल गेन अराइज होता है। तो पीजीबीपी की बात कर लेते हैं, पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल होगी कैश बेसिस अकाउंटिंग करके भी और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हो तब तो समझ में ही आ रहा है, जितना पेमेंट किए हो खर्चे का वही अलाउ होगा और रेवेन्यू साइड में जो रेवेन्यू आ गई है वो दिखाई देगी। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी खर्चे करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, जितने भी खर्चे करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, चाहे आपने पे किया है चाहे नहीं किया है, वो खर्चा करंट ईयर में डाला जाएगा। और जो भी रेवेन्यू इस साल को बिलोंग करती है, चाहे वो रेवेन्यू आई है चाहे नहीं आई है, वो रेवेन्यू शो की जाएगी, यही एक्रूअल सिस्टम। 43B तब आता है जब मेरी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस की होती है, कैश बेसिस पे ये अप्लाई नहीं होता 43B। और क्या कहता है, कहता है कि कुछ खर्चे मेरे अंदर दिए गए, कुछ खर्चे हैं 43B की लिस्ट में, कुछ खर्चे हैं और वो खर्चे आपको पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगे। मतलब अगर आपने पे किया है तभी अलाउ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, मतलब कैश बेसिस ही हो गया, मतलब पेमेंट बेसिस, मतलब वेन एवर यू आर पेइंग देन ओनली इट विल बी अलाउड टू यू। ऑल्दो द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज एक्रूअल, कि अगर खर्चा करंट ईयर को बिलोंग करता है तो अलाउ हो जाना चाहिए, हो जाएगा, सारा हो जाएगा, बस 43B के में कुछ 6 खर्चे हैं, ठीक है, वो 6 खर्चे 43B के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे, वो एक्रूअल पे नहीं होंगे, भले आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल है। याद रहेगा आपको ये बात, व्हाट इज 43B? 43B सेज दैट ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B शैल बी अलाउड ओनली व्हेन पेमेंट हैज बीन डन, राइट, इवन इफ योर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज अक्रूवल, अगर आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल है तो भी पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा। एक्सप्लेनेशन,
If the business premises belongs to the SSC, no deduction in respect of rent will be allowed to him. If the SSC is a partnership firm and the business premises belongs to the partner of the firm, the rent payable to the partner will be allowable deduction, and on the other hand, rent from such a building will be income under the head income from house property in the hands of partner. क्या कह रहा है? एक firm है, ये partner है, ये firm partner को rent दे रही है, ठीक है? तो this rent is PGBP expense for firm, this is PGBP expense, and what about this rent as income in the hand of partner? For partner this is, for partner this is income from HP. हालांकि ये बात आपको house property में भी हमने बताई थी, ठीक है, कि अगर प्रॉपर्टी से आपको इनकम आती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी. बेसिकली बिजनेस जो प्रीमाइसेस थी वो पार्टनर की थी, पार्टनर ने फर्म को किराए पे दे दिया, तो फर्म जो भी किराए पे करेगा वो फर्म का खर्चा है और पार्टनर के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है. इफ द एसएससी इज अ टेनेंट इन दैट प्रीमाइसेस, यहां पर है, इफ द एसएससी इज अ टेनेंट इन दैट प्रीमाइसेस एंड अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस इज यूज्ड बाय हिम एज अ ड्वेलिंग हाउस and the other part is used for his business, the amount of deduction in respect of rents shall be allowed proportionately. Similarly, land revenue, local rates, insurance premium, etc. shall be proportionate to that amount of the premises which is used for business. Kya keh raha hai? Keh raha hai, ye aapki ek building hai, jo aapne kiraya bhi liya hai. Theek hai, ye building do floor ki hai. 50% area mein aapne apna office khol rakha hai. और ये 50% एरिया है जहां पे आपने अपना रेजिडेंस बना रखा है, घर बना रखा है, और इस बिल्डिंग का आप किराया पता कितना देते हैं, रेंट कितना देते हैं? यू गिव रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ. तो क्या ये खर्चा, किराए का खर्चा, क्या आप अपने बिजनेस के खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे? क्या आप अपने पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस 20,000 रुपए के रेंट को चार्ज करेंगे? कहता है नहीं कर सकते. कह रहा है क्योंकि आपने इस बिल्डिंग का किराया 20,000 रुपए दिया है, इस बिल्डिंग का तो आधा हिस्सा ही आप कहां यूज कर रहे हैं? ऑफिस में. आप तो आधा हिस्सा ऑफिस में यूज करते हैं, तो सिंस आधा हिस्सा ऑफिस में यूज होता है तो किराया भी आधा ही चार्ज होगा पीएल में, आधा आपका पर्सनल खर्चा हो गया. कह रहा है मान लीजिए आपने इसका हाउस टैक्स दिया है 4,000 रुपए, अरे 4,000 रुपए हाउस टैक्स दिए हो तो 4,000 रुपए बिजनेस का खर्चा नहीं है, 2,000 रुपए बिजनेस का खर्चा है, वो पीएल में चार्ज कर लीजिए. 2,000 तो पर्सनल खर्चा हो गया ना, क्योंकि पूरे मकान का हाउस टैक्स है. मान लीजिए मैंने इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा दिया, इंश्योरेंस की प्रीमियम 8,000 रुपए आई, तो कह रहा है 8,000 नहीं चार्ज करने देंगे पीएल में, 4,000 रुपए रेजिडेंस के रिस्पेक्ट में चार्ज होगा और 4,000 रुपए ऑफिस के रिस्पेक्ट में चार्ज होगा. समझ में आ गई बात सबको? If the SSC is a tenant in that premises and a part of the premises is used by him as a dwelling house and the other part is used for his business, the amount of deduction in respect of rent shall be allowed proportionately. Similarly, land revenue, local taxes, insurance premium, etc. shall be proportionate to that amount of the premises which is used for business. If the SSC is a tenant in that premises and a part of the premises is used by him as a dwelling house and the other part is used for his business, the amount of deduction in respect of everything, whether taxes, insurance premium, everything shall be made proportionate. Clear है सबको? अच्छा, अब एक बात बताइए. मान लीजिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, 1/3 ईच, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 एरिया है, ये भी 1/3 एरिया है, ये दो हिस्सा मेरा रेजिडेंस है, ठीक है, और ये एक हिस्सा मेरा ऑफिस है. किराया मैं देता हूं 18,000 रुपए महीना, पीएल में कितना चार्ज होगा? 18,000 रुपए महीना पूरे मकान का किराया है. भाई बिजनेस तो 1/3 में कर रहे हैं, तो 1/3 कर दीजिए 18,000 रुपए का, 6,000 रुपए चार्ज होगा बस पीएल में. वैसे ही हाउस टैक्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, सब कुछ 1/3 ही पीएल में चार्ज होगा.
क्लियर है सबको? रेलेवेंट केस लॉज, केस लॉज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, जब तक कि इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली कोई बात उससे रिलेटेड ना कही गई हो। वैसे तो आपको यह बात पता है कि इनकम टैक्स लॉ कंप्राइजेस ऑफ सो मेनी थिंग, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, देन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन, एवरीथिंग। जुडिशियल डिसीजन जो कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो भी इनकम टैक्स का कानून है, लेकिन एक्ट सुप्रीम होता है। अगर एक्ट ने कुछ उस केस लॉ के खिलाफ कह दिया ना, तो फिर वो एक्ट कानून बन जाएगा, वो केस लॉ नलीफाई हो जाएगा, फिर उस केस लॉ से कोई मतलब नहीं। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई डिसीजन आता है, तो वो कानून है इनकम टैक्स का, भले वो एक्ट में ना लिखा हो, लेकिन वो कानून है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। लेकिन अगर अगले बजट में इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ और कह दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके खिलाफ कुछ कह दिया, कह सकता है कि नहीं? कह सकता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स का कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स के कानून में अगले साल कोई नया परिवर्तन किया गया, अब वो परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब नहीं माना जाएगा, अब खत्म हो गया वो डिसीजन। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था इसलिए ऐसा होना चाहिए, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब इनकम टैक्स के कानून में उसके अगेंस्ट बात लिख दी गई है। सबसे ऊपर कौन है? इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। अगर एक्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर अब एक्ट भी उस बात पे बोलने लग गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट को भूल जाइए, अब एक्ट बोल रहा है, एक्ट बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग कुछ केस लॉज को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्ट यहां पे साइलेंट है, तो कोर्ट के डिसीजन भी इनकम टैक्स के कानून होते हैं। पहली बात क्या कह रहा है? इफ द एसएससी टेक्स प्रीमाइसेस ऑन लीज फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन एंड एग्रीज टू पे एरियर ऑफ रेंट ऑफ प्रीवियस टेनेंट, सच एरियर ऑफ रेंट कैन नॉट बी डिडक्टेड वेदर एरियर ऑफ रेंट आर पेड अंडर लीगल ऑब्लिगेशन और वॉलंटरी। क्या मतलब है? मुझे अपने बिजनेस के लिए एक जगह चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर प्रीमाइसेस ऑफ माई बिजनेस, और आज मैं मार्केट में घूम रहा था, जगह जगह बिजनेस के लिए प्रीमाइसेस देख रहा था, मुझे एक लोकेशन, एक बिल्डिंग बहुत पसंद आई अपने बिजनेस के लिए जो मैं किराए पे लेना चाहता हूं। मैं उस बिल्डिंग में एंटर किया, पता किया कि कौन मकान मालिक है, उससे बात की मैंने, मैंने कहा मुझे ये बिल्डिंग किराए पे चाहिए। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, दे दूंगा आपको ये बिल्डिंग। मैंने उससे पूछा किराया क्या है, उसने कहा कि इसका किराया जो है वो 40,000 पर मंथ है। मैंने कहा डन है, एकदम तुरंत डन है, कितना पैसा एडवांस कर दूं जल्दी बताइए। उसने कहा लेकिन अभी नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा 2 महीने बाद क्यों? आपने 40 बोला, मैंने एग्री कर लिया, 2 महीने कौन सी बात? कहा कि अभी तो ऑलरेडी बिल्डिंग में टेनेंट है ही है, किराएदार है, तो अभी कैसे दे दूंगा? 2 महीने में मैं उसे खाली करा लूंगा, फिर आपको दे दूंगा। मैंने कहा आप 40,000 मत लो, मुझसे 50,000 रुपया महीना लो, चलिए अभी तुरंत खाली कराइए उसे, अभी तुरंत खाली कराइए उसे। कहता है नहीं, अभी मैं खाली नहीं करा सकता, क्योंकि इसका 3 महीने का किराया पहले से बाकी चल रहा है, मुझे उसे 3 महीने का किराया 1,20,000 रुपए लेना है, अगर मैंने उसे अभी निकाल दिया तो वो 1,20,000 रुपए भी नहीं देगा। बात समझ में आई? वो मुझे क्यों नहीं दे रहा है? कह रहा है कि जो पुराना किराएदार है ना, उसका 1,20,000 रुपए बाकी है 3 महीने का किराया, और अभी निकाल दूंगा तो वो 3 महीने का किराया भी नहीं देगा। तो साहब इसलिए मैं आपको अभी नहीं दे सकता, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, वो किराया जैसे ही निकलता है मैं तुरंत कोशिश करूंगा कि उसे हटा के बस आपको किराए पे दे दूं। मैंने कहा एक काम करो, ये 1,20,000 रुपए भी मैं दे रहा हूं आपको, लीजिए, ठीक है, 1,20,000 रुपए, और आगे का किराया जो आपको फिक्स करना हो कर लो, जितने मर्जी उतने किराए पे मुझे दे दो, मैं ये बिल्डिंग लेने को तैयार हूं। अब पुराना 1,20,000 रुपए पुराने किराएदार का जो तुम्हारा बाकी चल रहा है उसको अभी निकालो, मैं 1,20,000 रुपए भी दे रहा हूं। अब पसंद आ गई थी जगह, तो अब कह रहा हूं मैं ऐसा करने को उसको। अब प्रश्न ये उठता है कि जो किराया फिक्स होगा मेरा, ठीक है, जो भी किराया मेरा फिक्स होगा, जो भी मैं किराया दूंगा, वो तो मेरा किराए का खर्चा है, वो मैं पीएल में अपने चार्ज कर लूंगा, लेकिन पुराने टेनेंट के लिए जो मैंने 1,20,000 रुपया उसको दिया है, क्या ये भी बिजनेस का खर्चा है? जो भी 50,000 40,000 वो आगे का फिक्स करेगा, वो तो ठीक है भाई, वो तो मेरा बिजनेस का खर्चा है,
लेकिन जो जब मैं रहता ही नहीं था, कोई और रहता था, उसका किराया मैंने दिया, तो क्या ये भी मेरे बिजनेस का खर्चा है और मैं चार्ज कर सकता हूं इसको? क्या बोल रहा है देख लीजिए, कहता है सच एरियर ऑफ रेंट, जो किराया बाकी है, cannot be deducted whether arrear of rent are paid under legal obligation or voluntary. पूरी बात पर देते हैं. The SSC takes on premises on lease for carrying on business or profession and agrees to pay arrear of rent of previous tenant. पुराने वाले tenant का जो किराया बाकी है वो pay करने के लिए तैयार हो जाता है. मैं किराए पे जगह ले रहा हूं, पुराने किराएदार का बकाया पैसा देने के लिए तैयार हो जाता हूं, तो वो आपको डिडक्ट करने नहीं मिलेगा. cannot be deducted. Cannot be deducted. वो आपको डिडक्ट करने को नहीं मिलेगा, चाहे आप उसे अपनी मर्जी से दे रहे हो, चाहे वो बात एग्रीमेंट में लिखी थी कि आप दोगे तभी ये जगह दी जाएगी. बल्कि टेनेंट ने, लैंडलॉर्ड ने तो मेरे साथ फिर बाकायदा एग्रीमेंट बनाया कि पुराने किराए के नाम का 1,20,000 रुपए लिया जा रहा है, इसको आगे क्लेम करने की आवश्यकता मत कीजिएगा. ठीक है, बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा था, तो भी 1,20,000 अलाउ नहीं होगा. और हमने अपनी मर्जी से दे दिया 1,20,000, तो भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का खर्चा ही नहीं. बिजनेस तो मेरा अब शुरू होगा ना, तो जो अब किराया देंगे वो अलाउ होगा. पुराने किराएदार का हमने खाली कराने के लिए किराया दिया, वो अलाउ नहीं होगा. समझ गए, ये मेरा खर्चा नहीं है. अगला पॉइंट समझने से पहले आपको कुछ बताते हैं. देखिए आज, देखिए हिंदुस्तान में किराए का मतलब होता है एक लमसम किराया. ठीक है, लोग ऐसे किराया लेते हैं 20,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, व्हाटएवर. तो एक लमसम किराया होता है. पता है हिंदुस्तान में किराया का मतलब है लमसम, लेकिन बाहर विदेशों में किराया ऐसे नहीं होता. मैं आपको अमेरिका की बात बताता हूं, यूएस की बात बताता हूं, वहां किराया कैसे लिया जाता है. आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं. घर का किराया है, फ्लैट लोगे रहने के लिए, तो उसका किराया लमसम ही होता है, फिक्स होता है कि 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, व्हाटएवर. लेकिन अमेरिका की बात करते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का किराया कैसे चलता है वहां पे. अगर कोई भी प्रॉपर्टी देता है तो वो दो चीजें कहता है. कहता है लमसम आपसे लूंगा मैं, मान लीजिए 20,000 पर मंथ, प्लस क्या लूंगा आपसे, 4% ऑफ सेल्स. जितना आपकी दुकान में माल बिकेगा उसका 4% मैं किराया लूंगा. ठीक है, बहुत सारी जगह ये होता ही नहीं है. सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ सेल, मतलब रेवेन्यू का सीधा परसेंटेज ही किराया होता है विदेशों में. जैसे आप ऐसे समझिए ना, किराए का मतलब क्या है वहां पे, जितनी प्रॉपर्टी प्राइम एरिया पे है, प्राइम लोकेशन पे है, उतना ज्यादा उसका किराया होना चाहिए. ठीक है, मॉल में किसी दुकान है तो निश्चित है भाई किराया ज्यादा होना चाहिए उसका. तो मॉल में है तो निश्चित है सेल भी ज्यादा होगी. तो हर कोई वहां पे सेल का परसेंटेज किराया लेता है, और वहां की कंपनियों को आदत भी यही है, वो सेल का परसेंटेज ही किराया देती हैं. उनको आदत भी है, हर विदेशी कंपनियों को आदत है कि वो सेल का परसेंटेज किराया देती है. ठीक है, यानी अगर उनकी जगह पे दुकानदारी नहीं चल रही है तो किराया भी बहुत कम जाएगा, क्योंकि सेल कम है तो किराया भी कम है, सेल ज्यादा होगी तो किराया भी ज्यादा होगा. ठीक है, हमारे देश में किराया कैसे चल रहा है. अब हमारे देश में भी तो सारी विदेशी कंपनियां हैं. आप जरा किसी भी मॉल में चले जाइए और हमको लाइन से दुकानों के नाम बताइए, कौन सी हिंदुस्तानी कंपनी आपको दिख रही है वहां पे. ठीक है, हर मॉल में घुसेंगे तो एक मैकडॉनल्ड्स तो जरूर दिख जाएगा, विदेशी कंपनी. डोमिनोज दिख जाएगा, विदेशी कंपनी. ठीक है, जितने कपड़ों के शोरूम दिख रहे हैं आपको, ब्लैकबेरी, एरो, व्हाटएवर, सब कौन है, विदेशी कंपनी. हिंदुस्तान के हर एक मॉल में अगर 100 दुकानें हैं तो 100 में से 99 दुकान विदेशी कंपनी है, और 99 नहीं है तो 90 तो विदेशी कंपनियां ही हैं. और वो अपने देश में किराया कैसे देती हैं पता है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. और हिंदुस्तान में भी वो यही बात कहती हैं, हमारे हिंदुस्तान में परसेंटेज ऑफ सेल किराया देने का कॉन्सेप्ट पता है कौन सी कंपनी लेके आई है, मैकडॉनल्ड. मैकडॉनल्ड ने यह सबसे पहले हमारे देश में काम किया, शुरू किया कि हम दुकान खोलेंगे, जितना सेल होगा उसका इतना परसेंटेज किराया देंगे, वट एवर परसेंटेज जो भी हो, शायद मोटा मोटी 5% के आसपास वो लोग देते हैं. ठीक है,
कि 5% सेल का किराया किसका होगा, जो मकान मालिक जो ओनर है प्रॉपर्टी का। बात समझ में आ रही है? तो मैकडॉनल्ड्स जो दुकानें ली रहती है मॉल में, उसमें पता है किराया कितना मिलता है मॉल की, मॉल का जो मालिक है उसको किराया कितना मिलता है? हर बर्गर जो आप खा रहे हो ना, उसको किराया जा रहा है। आप 30 रुपए का बर्गर खा रहे हो तो 30 रुपए का 5%, 1.5 रुपया किराया है, किसको जा रहा है? जो ओनर है मॉल का। मैकडॉनल्ड ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में लेके आई किराए का, और आज हर विदेशी कंपनी यही कर रही है, हर विदेशी कंपनी यही सिस्टम फॉलो कर रही है और किराया इसी तरीके से दे रही है। अब जब मॉल में आपको हमने समझाया कि 100 में से 90 विदेशी कंपनी आई है, तो अब मॉल ओनर्स को आदत हो गई है किराया कैसे लेने की, सेल का परसेंटेज, अब उनकी भी ये आदत हो गई। तो बचे जो 10 हिंदुस्तानी कंपनियां, उनको भी कहते हैं कि आप किराया ऐसे ही दो भाई, हमको सेल का परसेंटेज चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो लगभग लगभग आज की तारीख में सिस्टम अब सेल का परसेंटेज देने का हो गया है हिंदुस्तान में भी, और कम से कम कहीं और नहीं तो मॉल में तो हो ही गया है। मॉल वाला जो सिस्टम है उसमें तो किराए का सिस्टम ये हो चुका है, क्योंकि वहां विदेशी कंपनियां ज्यादा रहती हैं, वो ये सिस्टम मॉल वालों को सिखा देती हैं, तो मॉल वाले बाकी लोग से भी वही बातें करने लग जाते हैं, और बाकी लोग अगर लमसम पे तैयार होते हैं तो भाई वो लमसम पे दे देते हैं उनको कि चलो आप 50,000 रुपए महीना फिक्स देना, लेकिन ज्यादातर से तो क्या ले रहे हैं, परसेंटेज ले रहे हैं। हाँ, लमसम भी जरूर लेते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड से वो इस तरीके से बात कर लेते हैं, आप एक काम करिए लमसम दे दीजिए हमको 1,00,000 रुपया और अपने सेल का परसेंटेज दे दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक? आइए अब आपको बताएं यहां क्या कहता है। कोर्ट ने डिसाइड किया अ फ्लक्चुएटिंग आइटम लाइक शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट कैनॉट बी ट्रीटेड एज रेंट। अगर आप अपने प्रॉफिट में किसी को हिस्सा देते हो तो उसे किराया नहीं माना जाएगा, मतलब आप पीएल में चार्ज नहीं कर सकते हो। अब एक बात बताइए, मैकडॉनल्ड की बात करें तो बताए वो किराया कितना देता है? अगर 1,00,000 रुपए किराया दे रहा होगा लमसम वाला, तो परसेंटेज की वजह से पता है किराया कितना हो जाता है? करीब 10,00,000 रुपया, और टोटल 11,00,000 रुपए का वो किराया देता है। क्या इसका मतलब है कि वो 1,00,000 रुपए तो चार्ज कर सकता है, 10,00,000 चार्ज नहीं कर सकेगा? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ये चार्ज नहीं कर सकता है, कर सकता है, वो पूरा 11,00,000 रुपए किराया चार्ज करेगा। क्या चीज नहीं अलाउड है? शेयर इन प्रॉफिट। और जो मैकडॉनल्ड दे रहा है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वो शेयर ऑफ रेवेन्यू दे रहा है, सेल का परसेंटेज। बस ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट का अगर किसी को आप हिस्सा देंगे किराए के रूप में, जैसे हमने किसी से किराया की बात किया कि जितना हम कमाएंगे उसका 10%, तो गवर्नमेंट कहती है ये किराया नहीं होता, ये किराया नहीं होता, एक काम करिए ये क्या है, आपको अलाउ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आया, ये मेरा पीएल है, सब खर्चे वर्चे चार्ज करने के बाद मेरा प्रॉफिट आया 10,00,000 रुपया, अब मैं प्रॉफिट का 10% किराया देता हूं, तो मान लीजिए फिर मेरा रेंट कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया, यानी मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9,00,000 रुपया। इनकम टैक्स कहता है कि ये किराया नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा था ना, ये नहीं माना जाएगा, यानी यही वाला क्या माना जाएगा, पीजीबीपी, इस पे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू का परसेंटेज देते हैं, रेवेन्यू यहां पे लिखा होता है, इसका अगर हम परसेंटेज देके यहां चार्ज करते हैं रेंट, विच इज अ परसेंटेज ऑन दिस अमाउंट, तो ये अलाउ होगा, दिस विल बी अलाउड। याद रहेगा सबको? तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू तो अलाउड है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में अब आजकल ये कॉन्सेप्ट चली गया है, तो वो खर्चा अलाउ होता है, वो रेंट माना जाता है। लेकिन अगर किसी को आप प्रॉफिट का हिस्सा देंगे तो वो रेंट नहीं माना जाएगा। फिर क्या है, पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस इज रिपेयर। कोर्ट केस में डिसाइड हुआ कि अगर आप अपने मकान का आउटसाइड रिपेयर कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो वो रेवेन्यू खर्चा है। हुआ क्या था हम आपको बताएं, बेसिकली एक बिजनेसमैन था, उसके पास बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू जो उसके बैलेंस शीट में दिख रही थी, वो बिल्डिंग की वैल्यू ही पता कितनी थी, बिल्डिंग थी 10,00,000 रुपए की, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन 10,00,000 रुपए की थी, क्योंकि बहुत पहले समय की थी। अब वो उस बिल्डिंग की इस साल पेंट कराता है, बस बिल्डिंग का आउटर पेंट कराता है, और पेंट कराने में खर्चा पता कितना आ गया था, 20,00,000 रुपया।
मतलब पूरी बिल्डिंग 10 लाख रुपए की है लेकिन उसको पेंट कराने में 20 लाख रुपए का खर्चा आ गया। क्यों भाई? 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, बात समझिए। तो 10 लाख में बन गई थी, आज 50 साल बाद हम उसका पेंट करा रहे, पेंट कराने का खर्चा 20 लाख रुपया है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है 20-20 लाख रुपए का तुम पेंट करा रहे हो, ये खर्चा नहीं मानेंगे, पूरी 10 लाख रुपए की तो तुम्हारी बिल्डिंग ही है, ठीक है, ये कैपिटल खर्चा है, तुम एक काम करो ये 20 लाख रुपए भी बिल्डिंग में जोड़ो और अपनी बिल्डिंग को आज से 30 लाख रुपए का कहना, ये रेवेन्यू खर्चा नहीं मानेंगे, इतना बड़ा अमाउंट है रेवेन्यू खर्चा नहीं मानेंगे। कोर्ट ने डिसाइड किया, और ये सही भी है, कि खर्चा बड़ा है कि छोटा है इससे रेवेन्यू या कैपिटल डिसाइड नहीं होता। अगर वो रिकरिंग नेचर का खर्चा है तो रेवेन्यू खर्चा है, और अगर आपने एनहांस कर दिया प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, कुछ ऐसा खर्चा किया, कुछ एडिशन कर दिया बिल्डिंग में, तो वो कैपिटल खर्चा है। दिस इज नॉट एन एडिशन टू बिल्डिंग। पेंटिंग वगैरह करना ये एक रिकरिंग खर्चा माना जाता है, ठीक है, आए समय लोग पेंट वेंट कराते रहते हैं। पेंट का खर्चा बड़ा है छोटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसने महंगा पेंट लगाया इसलिए 20 लाख रुपए लग गया, कोई सस्ता लगाता चूना करवा देता सस्ता हो जाता, इट डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है सबको? तो कुल मिला के हमें यही सीखने को मिला कि ये जो रेंट पेंटिंग का खर्चा है ये कैसा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है और ये अलाउड है। सेक्शन 30 हम लोग ने पढ़ लिया, एक सेक्शन किया है अभी, रेंट रेस्ट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मोटा मोटी उसने सारे खर्चों को बताया कि अलाउड है, अगर वो बिल्डिंग आपकी कहां यूज हो रही है, बिजनेस में यूज हो रही है। अब अगला बोल रहा है हमें रिपेयर एंड इंश्योरेंस किसका? प्लांट मशीनरी फर्नीचर। भाई बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे की बात हो गई, अब 31 में प्लांट मशीनरी फर्नीचर की बात कर रहा है। कह रहा है अगर आपने रिपेयर एंड इंश्योरेंस कराया है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर का, रिपेयर इंश्योरेंस कराया है प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर का, तो यह खर्चा आपको अलाउ होगा, होना भी चाहिए। बिजनेस की प्लांट मशीनरी फर्नीचर है उसका रिपेयर में इंश्योरेंस कराएंगे, खर्चा बिल्कुल अलाउ होगा। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन करंट रिपेयर नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस इज अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 31। ठीक है बात? आइए अब देखने जा रहे हैं हम लोग सबसे बड़ा सेक्शन इस चैप्टर का, और वो है सेक्शन 32 डेप्रिशिएशन अलाउंस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं आपको डेप्रिशिएशन, आप कहेंगे सर डेप्रिशिएशन तो बहुत आसान सी चीज होती है, ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल एसेट है, 10% डेप्रिशिएशन है, 1 लाख इंटू 10% 10,000 रुपए डेप्रिशिएशन आ गया। सिर्फ आपको डेप्रिशिएशन मैं अगली 4 क्लासेस में सिखाऊंगा, 4-4 क्लास लगा देंगे आपको, 3 से 4 क्लास, मतलब मे बी अगली 3 क्लास और आज की करंट क्लास, इतने सेशंस लगा देंगे हम आपको सिर्फ डेप्रिशिएशन सिखाने में। इमेजिन कर सकते हैं डेप्रिशिएशन इतना डिफिकल्ट होगा कि इसको सिखाने में सर को 5-6 घंटे लग जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन। इनकम टैक्स में सेक्शन 32 है जो डेप्रिशिएशन की बात करता है, ये सेक्शन आप रट लेंगे, सेक्शन 32 इज फॉर डेप्रिशिएशन। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी कि डेप्रिशिएशन आपको अलाउ होगा तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने पे होगा, कितना डेप्रिशिएशन अलाउ होगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे डेप्रिशिएशन आपको जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाएगा, थोड़ा कम दिया जाएगा। फिर कुछ हम सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे जहां पे डेप्रिशिएशन जितना दिया जाना चाहिए उससे ज्यादा दिया जाएगा कुछ कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे। तो बहुत सारी बातें हैं डेप्रिशिएशन में। सबसे पहला है कि डेप्रिशिएशन आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने पे मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपको डेप्रिशिएशन अलाउ ही नहीं किया जाएगा। कंडीशन फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिशिएशन, कंडीशन फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिशिएशन मींस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू अलाउ यू डेप्रिशिएशन, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू अलाउ यू द डेप्रिशिएशन। ठीक है, नंबर वन, एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। सबसे पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए। अगर हम किराए पे एसेट लेके आएंगे तो उसका डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं कर लेंगे, अगर हम उसके ओनर हैं तभी डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं।
ठीक है, याद हो गई ये बात कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए पहली कंडीशन आप उसके ओनर होने चाहिए। दूसरी बात, यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, किस लिए इस्तेमाल होना चाहिए? बिजनेस प्रोफेशन के लिए। अगर हमने कोई एसेट खरीदी, अगर हमने कोई एसेट खरीदी जिसका इस्तेमाल हम पर्सनली नहीं, जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं कर रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं, तो क्या उसका डिप्रिसिएशन बिजनेस में मुझे चार्ज करने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे समझिए, मैंने एसी खरीदा, एसी मेरे ऑफिस में लगा है, क्या क्या चेक करना है? क्या मैं उसका ओनर हूं? यस ओनर हूं। दूसरा, क्या वो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है? हाँ एसी बिजनेस में यूज हो रहा है। डिप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। चलिए, एसी मैंने घर में लगाई, क्या डिप्रिसिएशन मिलेगा? सोचते हैं, क्या मैं उसका ओनर हूं? हाँ ओनर तो हूं। क्या मैंने बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया? नहीं, वो तो घरेलू यूज हो गया, पर्सनल यूज, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से आइए बात, अब ओनर पे बात करेंगे। आप अगर ओन कर रहे हैं तो होल्ली ओन करिए या पार्टी ओन करिए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पार्ट ओनर भी हैं एसेट के तो भी आपको डिप्रिसिएशन अलाउ होगा, लेकिन पार्ट डिप्रिसिएशन अलाउ होगा। मान लीजिए एक मशीन है 100 करोड़ रुपए की है, और इस मशीन को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी ने मिलकर खरीदा है, दोनों ने 50-50 करोड़ रुपए लगा के खरीदा है। अब आप सोचोगे क्या ऐसा भी होता है अक्सर कोई एक मशीन दो कंपनियां मिलकर खरीद लेती हैं? हां होता है बच्चों। ये मशीन ऐसी है जिसकी रोज आवश्यकता नहीं है और महंगी भी बहुत है, तो दो कंपनियों ने मिलकर खरीदा कि पार्टली हम यूज करेंगे, पार्टली तुम यूज कर लेना, 6 महीना हम इस्तेमाल कर लेंगे, 6 महीना तुम इस्तेमाल कर लेना, ऐसे इंटरचेंजेबली, 1 महीना हमारे यहां रहेगा, फिर 1 महीना तुम्हारे यहां जाएगा, फिर 1 महीना हमारे यहां आएगा, फिर 1 महीना तुम्हारे यहां जाएगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है, और नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं। अगर पार्ट यूजर है तो क्या होगा? इनकम टैक्स क्या बता रहा है वो सुन लेते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि आप एसेट के ओनर हो, ये जरूरी है। आप पार्ट ओनर हो, फुल ओनर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर फुल ओनर हो तो फुल डेप्रिसिएशन ले लेना, पार्ट ओनर हो तो पार्ट डेप्रिसिएशन ले लेना। अब मान लेते इस मशीन पे डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, तो यानी डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15 करोड़ रुपए। तो इसको 7.5 करोड़ का डिप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा और इसको 7.5 करोड़ का, दोनों की डिप्रिसिएशन भी आधी आधी हो जाएगी। बस सिंपल सी बात, अगर इसका मालिक एक ही इंसान होता तो पूरा 15 करोड़ का डिप्रिसिएशन उसको मिलता। समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए में ए लिमिटेड ने लगाया होता 20 करोड़ रुपए और बी लिमिटेड ने लगाया होता 80 करोड़ रुपए, तो बेसिकली ए लिमिटेड 20% का मालिक हो गया ना, 20% ओनर हो गया ये, तो इसको डिप्रिसिएशन भी कितना मिलता? 15 करोड़ का 20%, 15 करोड़ का 20% कितना होता है? 3 करोड़। इसको डिप्रिसिएशन मिलता ए लिमिटेड को 3 करोड़, और बी लिमिटेड को डिप्रिसिएशन कितना मिल जाता? 15 करोड़ में से 3 करोड़ है, ये 12 करोड़ रुपए का डिप्रिसिएशन इसको मिल जाता। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, या परफेक्ट है? दूसरी बात, वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए, होली या पार्टली कुछ भी हो सकता है, होली या पार्टली। होली या पार्टली कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए एसेट का इस्तेमाल हो रहा है होली तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, पार्टी हो रहा है तो पार्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार खरीदी, मैं उसका ओनर हूं, मैं बिजनेस प्रोफेशन के लिए कार को यूज करता हूं, तो मुझे कार का जो डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस में क्लेम करने के लिए मिलेगा। मैंने कार खरीदा, मैं उसका ओनर हूं, लेकिन वो कार से मैं ऑफिस भी आता हूं और मेरी बीवी सब्जी लेने भी जाती है। ठीक है, एक बार बताइए, कार का यूज क्या 100% बिजनेस प्रोफेशन है? नहीं, पर्सनल यूज भी हो रहा है, बीवी सब्जी लेने जा रही हो तो पर्सनल यूज हो गया, और मैं ऑफिस भी आता हूं, बिजनेस प्रोफेशन यूज भी है, तो कार का डिप्रिसिएशन भी मुझे प्रोपोर्शनेट मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितना परसेंटेज आप इससे ऑफिशियल यूज करते हो, कितना घरेलू यूज करते हैं? तो मैंने बताया भाई ज्यादातर तो बीवी लेके ही कार घूमती रहती है, तो 80% यूज तो किसका है? बीवी का है, और 20% मेरा ऑफिस का यूज है,
तो कार का जो भी डिप्रिशिएशन आएगा उसका 20% ही मुझे क्लेम करने के लिए मिलेगा। यानी मान लीजिए कार 10 लाख रुपए की, कार 10 लाख रुपए की, डिप्रिशिएशन का रेट मान लेते हैं इसका 15% है, तो कार का डिप्रिशिएशन कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख अगर कार का डिप्रिशिएशन है, पर्सनल यूज कितना है हमने बताया 80% है, बिजनेस यूज कितना है, पीजीबीपी यूज कितना है उसका 20% है, तो 1.5 लाख का 20% यानी कि 30,000 रुपया डिप्रिशिएशन हम चार्ज करेंगे बिजनेस में, और ये होगा ही नहीं चार्ज कहीं, ठीक है। अगर आप अब सर्टेन परसेंटेज बस यूज कर रहे हो तो सर्टेन परसेंटेज ही एलिजिबल भी हो आप डिप्रिशिएशन क्लेम करने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम परफेक्ट। अब यही बात यहां पे लिखी हुई भी है कि अगर आप ओनर हो तो कैसे ओनर हो, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, ओनरशिप के लिए एक बात और बोलता है, कहता है कि आप रजिस्टर्ड ओनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओनरशिप का मतलब इनकम टैक्स में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ओनरशिप का यहां पे मतलब होता है अगर आप किसी चीज पे अपना हक जता सकते हैं और किसी भी इंसान दूसरे इंसान को मना कर सकते हैं इसे छूने के लिए भी, हाथ लगाने से भी मना कर सकते हैं, वो ताकत आप में है तो आप उस चीज के मालिक हैं। इनकम टैक्स ये नहीं कहता कि वो आपके नाम से हो, रजिस्टर्ड हो आपके नाम से तभी आप उसके ओनर हो। इनकम टैक्स कहता है कोई भी चीज जिस पे आपका हक है आप उस पे अपना हक जता सकते हो, दूसरे को प्रिवेंट कर सकते हो कि ये इस्तेमाल नहीं करोगे तुम, तो यानी वो आपकी चीज है। आइए बात समझाते हैं आपको। एक बात बताइए, मेरे ऑफिस में जितने फर्नीचर लगे हुए हैं क्या वो फर्नीचर मेरे ऑफिस का एसेट है, क्या मैं उस पर डिप्रिशिएशन क्लेम कर सकता हूं? हां। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन ऑफिस के लिए 4 चेयर लानी थी और मैंने अपने एक स्टाफ को 20,000 रुपए लेके भेज दिया था, जाओ 4 चेयर लेके चले आओ, ठीक है। वो 4 चेयर लेके चला आया, 20,000 रुपए मैंने नगद दिया हुआ था, उसने बिल जो बनवाया उसमें मेरी कंपनी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था, उस पर कैश ही लिखा हुआ था। तो क्या उस 4 चेयर का चेयर के रजिस्टर्ड ओनर हम हैं? नहीं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, उसके बिल पे भी कैश लिखा हुआ था, और हो सकता है उस स्टाफ ने पता है क्या किया था, अपना नाम लिखवा दिया था, उसका नाम मोहन था, उसने बिल पे मोहन लिखवा दिया। अब एक बात बताइए, क्या इनकम टैक्स मुझे मालिक मानेगा कि नहीं मानेगा? इनकम टैक्स कह रहा है कि उस 4 चेयर पे तुम्हारा हक है ना राज अग्रवाल, हम कहेंगे हां हक है। क्या दूसरे को मना कर सकते हैं इस्तेमाल के लिए? हम कहेंगे हां मना कर सकते हैं, मेरा हक है ना उस पर, है तो इनकम टैक्स कहता है तुम्हारी एसेट है, क्लेम करो डिप्रिशिएशन इसका। सबको बात समझ में आ गई? आइए हम एग्जांपल से इस बात को करते हैं। मान लीजिए मैंने कार अपनी बीवी के नाम से ले ली, मैंने कार अपनी बीवी के नाम से ले ली, ठीक है, और उस कार का इस्तेमाल मैं बिजनेस में करता हूं, 100% बिजनेस में करता हूं, ठीक है। क्या मैं उस, अब दो कंडीशन डिप्रिशिएशन लेने की, क्या मैं उसका मालिक हूं, ओनर हूं? हां, मेरे बीवी के नाम से है कार, तो क्या हुआ, मैं जिसको चाहे जिसको मना कर सकता हूं उस कार का इस्तेमाल करने से, और मेरा पूरा हक है उस कार पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आप उसे बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं? हां कर रहे हैं। क्या डिप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो रजिस्टर्ड होना सिर्फ इनकम टैक्स के लिए जरूरी नहीं है, इनकम टैक्स बस कहता है कि अपना हक जता दो, अगर तुम हक जता सकते हो तो तुम मालिक हो, डिप्रिशिएशन क्लेम करो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एसेट मेरे नाम से खरीद के आ रही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आज ये माइक खराब हो गई, ठीक है, हमने क्या किया, अपने स्टाफ को 10,000 रुपए दिया और बोला कि जाओ माइक खरीद के लेते हैं, वो खरीद के ले आया। अब हो सकता है उसने अपने नाम से बिल बनवा दी हो, सकता है उसने कैश बिल बनवा दी हो, ठीक है। अब ऐसा तो ही ना कि अब इस पर हम डिप्रिशिएशन क्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स बस ये पूछता है क्या ये माइक पे आपका हक है? हम कहेंगे स्वाभाविक सी बात है, हक है, कोई हाथ को लगा के देख ले, बस इनकम टैक्स कहेगा डिप्रिशिएशन क्लेम कर लो, ठीक है। ये बात चलिए आइए समझते हैं इसको। रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, कह रहे रजिस्टर्ड ओनर जरूरी नहीं है। शुरू से बढ़ते हैं, द एसेट शुड बी ओन्ड बाय द एसेसी और द एसेसी शुड बी को ओनर, आपके द्वारा वो ओन हो या फिर आप उसके को ओनर हो, को ओनर का मतलब पार्ट ओनर चलेगा। रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी, आप उसके रजिस्टर्ड ओनर हो यह बात जरूरी नहीं है, ठीक है।
आप उसके रजिस्टर्ड ओनर हो यह बात जरूरी नहीं है। मतलब कि अगर आपके नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप उसके ओनर कहलाओगे अगर आपका उस पर हक है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑल्सो डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू लेसर। फाइनेंशियल लीज जानते हैं आप, लेसर कौन होता है पहले छोड़िए ना, लेसर की बात करते हैं। लेसर वो होता है जो प्रॉपर्टी किराए पे देता है और लेसी वो होता है जो प्रॉपर्टी लेता है। ठीक है, लेसर जिसने प्रॉपर्टी दी, लेसी जिसने प्रॉपर्टी ली, इस्तेमाल कौन कर रहा है? लेसी। लेसी इज द पर्सन हु इज यूजिंग द प्रॉपर्टी। लेसर लेसी, लेसर लेसी को क्या देता है? राइट टू यूज देता है, राइट टू यूज एसेट। और लेसी लेसर को क्या देता है बदले में? रेंट देता है, किराया देता है, लीज रेंट आप कहते हैं लीज में। वैसे आपको यह बताएं फाइनेंशियल लीज क्या होती है? फाइनेंशियल लीज एक मुखौटा है लीज का, किराएदारी का। लीज मतलब किराएदारी, ये मुखौटा होता है किराएदारी का। ये किराएदारी होती ही नहीं है सच पूछिए तो। जो सचमुच किराएदारी होती है ना उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग लीज। लीज दो प्रकार की होती है। ऐसे तो मुझे यह सब बताना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये बात बिल्कुल अलग है, ये सब अकाउंटिंग की बात है, यहां पे आवश्यकता नहीं रखती है। लीज मतलब किराएदारी दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, दूसरी होती है फाइनेंशियल लीज। बेसिकली किराएदारी यही होती है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज किराएदारी नहीं है, ये किराएदारी का मुखौटा है, दिखाने के लिए किराएदारी है। एक्चुअल में ये सेल है, बिक्री है। समझाते हैं आपको क्या क्यों। फाइनेंशियल लीज में कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किराएदारी है ही नहीं। जैसे मैं किसी को कंप्यूटर देता हूं फाइनेंशियल लीज पे। कंप्यूटर कितने का है मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर है मान लीजिए 50,000 रुपए का, और मैं जानता हूं कि कंप्यूटर 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि कंप्यूटर 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, और मैं उसको किराए पे पता है कितने समय के लिए दे रहा हूं, 5 साल के लिए किराए पे। मतलब कहने का मतलब एसेट किराए के पीरियड में खत्म हो जाएगी। अगर किसी चीज की लाइफ 10 साल है और आप 10 साल के लिए किसी को किराए पे दे रहे हो तो ये बताओ किराए पे दे रहे हो क्या? अरे बेच दिए हो समझो। ठीक है, अब मोटा मोटी मैं उससे एसेट की जितनी कीमत है प्लस ब्याज उसका निकाल लूंगा उस पीरियड में। अब जैसे मान लीजिए मुझे 50,000 पे 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा लेने का मन है, 60,000 में लेना चाहता हूं, तो बता मैं किराया कितना लूंगा कंप्यूटर का? 12,000 रुपया हर साल। तो 5 सालों में कितना आ गया? 60,000 आ गया। तो 50,000 कंप्यूटर का भी आ गया, 10,000 ब्याज भी आ गया, 5 साल में कंप्यूटर खत्म भी हो जाएगा, गेम ओवर। ये है फाइनेंशियल लीज। बात समझ में आ रही है आपको? अगर फाइनेंशियल लीज बहुत अच्छे से समझना हो ना तो किसी दिन किसी टेम्पो वाले के टेम्पो में बैठ जाना। टेम्पो चलाते हैं, बैठ जाओ उसके बगल में, पूछो उससे कि टेम्पो वाले भैया ये बताओ ये टेम्पो तुम्हारे पास कैसे आई है। हालांकि वो फाइनेंशियल लीज नहीं समझता होगा, वो वर्ड ये नहीं जानता होगा, लेकिन वो जो बात बताएगा उससे आपको फाइनेंशियल लीज समझ में आ जाएगी। हालांकि टेम्पो वाले भैया को खुद नहीं पता है फाइनेंशियल लीज, वो समझा रहा है, लेकिन वो समझा वही रहा है। देखिए वो क्या बोलेगा, कहेगा भैया पता है ये टेम्पो का मैं हर महीने किराया देता हूं। बताएगा कि मैं आपको किराया देता हूं इसका 10,000 रुपया महीना, और 3 साल में अगर इसका किराया दे दूंगा ना तो ये टेम्पो मेरा हो जाएगा। टेम्पो वाले भैया ने क्या बोला कि भैया मैंने तो ये टेम्पो गरीब आदमी हूं, मैंने ये टेम्पो कैसे लिए? किराए पे लिए, 10,000 रुपया महीना मुझे किराया देना होता है, लेकिन अगर मैं 3 साल इसका किराया दे दूंगा ना तो ये टेम्पो मेरा हो जाएगा। 3 साल बाद टेम्पो टेम्पो वाले भैया का हो जाएगा, किराया दे रहा है। क्या सोचो, आप कोई मकान लेते हो किराए पे, ठीक है, आप किराया देते हो 50,000 रुपया महीना, क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वो मकान आपका हो जाएगा किराया देते देते? अरे कभी नहीं होगा, क्योंकि आप किराएदारी पे लिए हो, ऑपरेटिंग लीज पे लिए हो। जो बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं उनको समझाता हूं मैं, ठीक है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, वो हॉस्टल का किराया देते हैं हर महीने। एक बात बताइए, एक दिन हॉस्टल का किराया देते 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 मैं हॉस्टल का मालिक हो गया, हो जाएगा क्या?
कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑपरेटिंग लीज में हो। वो टेम्पो वाले का टेम्पो क्यों हो गया पता है? क्योंकि उसकी लीज फाइनेंशियल लीज है, उसकी लीज फाइनेंशियल लीज है। अरे टेम्पो उसका ही है, ये मुखौटा पहनाया गया है, बस किरायेदारी बोली जाती है। बेसिकली टेम्पो देने वाले ने टेम्पो बेच दिया है, ठीक है, और 10,000 रुपया महीने के हिसाब से पेमेंट ले रहा है टेम्पो का, किराया विराया नहीं ले रहा है, लेकिन वो किराया बोलता है। पता है किराया क्यों बोलता है? आप पूछोगे क्यों बोल क्यों रहा है, क्यों मुखौटा पहना रहा है, क्यों साफ साफ टेम्पो वाले भैया को नहीं बोल दे रहा है कि टेम्पो तुम्हें बेच दी है, तुमको किराया नहीं देना है, टेम्पो का पैसा है ये 10,000 रुपया, ये क्यों नहीं बोल रहा है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर उसने ये कह दिया कि मैंने टेम्पो तुम्हें बेच दिया, तो अब अगर टेम्पो वाला उसे पैसा नहीं देगा तो भी वो टेम्पो से छीन नहीं सकता, क्योंकि टेम्पो का मालिक कौन हो चुका है? वो टेम्पो वाला भैया, वो उसे वापस नहीं ले सकता। अगर वो पैसे नहीं देगा तो लीगल रूप यही है कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाके बोलिए कि मुझे टेम्पो का पैसा चाहिए। अभी भी टेम्पो मत बोलना कि चाहिए, क्यों? क्योंकि टेम्पो तो बेच दियो, तुमको चाहिए पैसा। अब वो टेम्पो वाला कोर्ट में आएगा, बोलेगा गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बोलो क्या करूं, कहो तो किडनी बेच के दे दूं। जज साहब कहेंगे नहीं भैया किडनी बेच के मत देना, रहने दो। और आपने अगर टेम्पो दिया था उसको तो कहेगा कि शांति मार के बैठे रहो, अभी गरीब आदमी दे नहीं पाएगा। यह कोर्ट का फैसला आता है। हिंदुस्तान में पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, देने वाला ही फंसता है, लेने वाला कभी नहीं फंसता पैसे, क्योंकि लेने वाला तो यही कहता है नहीं, बोलो क्या करें। बात समझ में आ रही है? अब इसलिए मुखौटा पहनाना पड़ता है। अब वो टेम्पो जब हम बेच रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे किराएदारी है, हम बोलेंगे नहीं बेच रहे हैं, जबकि पूरा पैसा लेंगे। 3 साल में टेम्पो का पूरा पैसा ब्याज सहित निकाल रहे हैं, लेकिन जो पैसा लेंगे उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये पैसा टेम्पो का है, क्या बोलेंगे? किराया है। अब किराया ले रहे हैं तो मालिक कौन है? हम है, इसका मतलब। पहली इंस्टॉलमेंट दिया 10,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने 10, पहला किराया 10,000 दिया, दूसरा किराया 10,000 दिया, तीसरे में आनाकानी किया, तुरंत पुलिस लेके जाएंगे, 2 लाठी मरवाएंगे उसको, टेम्पो लेंगे और चले आएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्पो के मालिक हम है, लीगल कर रहे हैं, गलत भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 डंडे मरवाए तो गलत किया हमने, लीगल है, टेम्पो मेरा है, उसने पैसे नहीं दिए, किराया नहीं दिए, मैं निकाल सकता हूं, मैं मालिक हूं टेम्पो का। लेकिन अगर बेच दिया था तो मैं मालिक नहीं था, वो पैसे नहीं देता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लीगल रूप यही है, कोर्ट जाइए। अब कोर्ट तो कैसा है हिंदुस्तान का, ये सबको पता है, इसलिए यह मुखौटा पहनाया जाता है। ठीक है, अब आइए यहां पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए बच्चों, क्या कहता है? In case of financial lease also, depreciation is available to lessor. Lessor कौन है? टेम्पो देने वाला। लेसी कौन है? टेम्पो लेने वाला। इस्तेमाल कौन कर रहा है? टेम्पो लेने वाला। लेकिन depreciation वो क्लेम नहीं करेगा, depreciation मैं क्लेम करूंगा, lessor, मैं lessor हूं, ये depreciation क्लेम करेगा, क्योंकि यही ओनर है। हालांकि हमने आपको बताया कि सच पूछो तो मालिक ये बन गया है, अंदर से देखो तो, अंदर से देखो तो मालिक कौन है? टेम्पो वाला ही है, बस टेम्पो वाले को बता नहीं रहा है कि तुम मालिक हो, उसको बोला किराया देना है, देखो टेम्पो वाले किराया देना है तुमको, ठीक है। और ये मुखौटा पहनाया है, वो तो बेच के टेम्पो निकल रहा है, सीधी बात यह है। लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है डिप्रिसिएशन टेम्पो वाले भैया को नहीं मिलेगा, जिसने टेम्पो दिया है उसको मिलेगा। हाँ, जिस दिन ये सारा पैसा दे देगा, ध्यान दीजिए बच्चों, जिस दिन ये सारा पैसा दे देगा उस दिन ये मालिक बनेगा लेसी। आइए अगली बात देखते हैं। इन द केस ऑफ हायर परचेज डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल टू हायरर, दैट इज हायर परचेजर। हायर परचेज ट्रांजेक्शन जानते हैं, इसमें 2 पार्टी होती है, एक होता है हायर बेंडर और दूसरा होता है हायर परचेजर। इसको हम बोलते हैं हायरर। हायर वेंडर क्या करता है? हायर परचेजर को एसेट देता है, और यहां पे हायर परचेजर हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट देता है उस एसेट की। इसमें वो एसेट को सेल कर देता है बच्चों, मुखौटा नहीं पहनाता, सेल कर देता है। लेकिन सेल करते समय जो सेल का कागज बनता है, एग्रीमेंट बनता है, उसमें ये लिख देता है कि मैं आपको एसेट दे रहा हूं, ठीक है,
लेकिन आप इस एसेट को, ये सेल नहीं है, अभी रुक जाइए थोड़ा सा मैं बताता हूं क्या होता है इसमें। वो हायर वेंडर लिखता है कि मैं आपको एसेट दे रहा हूं, मैं इस एसेट का ही पैसा ले रहा हूं, किराया नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एसेट का ही पैसा ले रहा हूं। लेकिन जब तुम एसेट का सारा पैसा दे दोगे तब तुम मालिक बनोगे। लीज क्या है बच्चों? लीज कहता है कि मैं एसेट दे रहा हूं, तुम मुझे किराया दोगे, और जब सारा किराया दे दोगे तो तुम मालिक बनोगे। यहां मैं ये नहीं बोलता, हायर परचेज भी बिल्कुल वैसा ही चीज है फाइनेंशियल लीज जैसा, बस इसमें थोड़ा अंतर है। हायर परचेज में मैं एसेट देता हूं, कहता हूं तुम मुझे एसेट का पैसा दो टुकड़े टुकड़े में, जब पूरा पैसा दे दोगे तो तुम मालिक बनोगे। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं एसेट को बेसिकली एसेट का ही पैसा ले रहा हूं, यानी कुल मिला के मैंने एसेट आज कह दी कि मैंने तुम्हें बेच दिया, ये एसेट सेल हो गई है, बस एक क्लॉज लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि तुम मालिक बाद में बनोगे। तो इनकम टैक्स कहता है कि हायर परचेजर अब एसेट का ही पैसा दे रहा है ना, ये जो पैसा दे रहा है वो एसेट का पैसा दे रहा है। ठीक है, तो अब हायर परचेजर एसेट का पैसा दे रहा है, इसलिए उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। याद रहेगा सबको बात, यहां वो एसेट का पैसा नहीं दे रहा था बच्चों, वहां यहां ये किराया दे रहा था, तो सिंस ये किराया दे रहा था इसलिए डेप्रिसिएशन इसको नहीं मिल रहा था, डेप्रिसिएशन इसको मिल रहा था क्योंकि एसेट इसकी थी। लेकिन यहां पे क्या होता है, हायर परचेज में हायर परचेजर एसेट का पैसा देता है, और इसलिए इनकम टैक्स कहता है कि तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है बात, चलिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप कभी भी इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, इसको कोरिलेट करने की आवश्यकता, इसकी कोरिलेशन की आवश्यकता नहीं है, इस कोरिलेशन को करना भी नहीं है। हो सकता है आपने अकाउंटिंग में कुछ और बातें पढ़ रखी हो हायर परचेज और फाइनेंशियल लीज से रिलेटेड, कि वहां पे क्या होता है, डिप्रिसिएशन किसको मिलता है, एक अलग चीज हो सकती है, स्टैंडर्ड अलग बात कह सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कहता है वो अकाउंट्स में अप्लाई होगा, इनकम टैक्स की बात इनकम टैक्स में अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है और है भी कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं आपको बताऊंगा नहीं अकाउंटिंग वाली बातें, आपको बस इनकम टैक्स अभी सिखा रहा हूं, तो इनकम टैक्स वाली बात बता भी रहा हूं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दूं, ओनर, ओनरशिप का मतलब ये, आप एसेट के ओनर होने चाहिए, पार्ट ओनर हो फुल ओनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट ओनर होगे तो पार्ट डेप्रिसिएशन मिलेगा, फुल ओनर होगे फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। रजिस्टर्ड ओनरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती है, ओनरशिप का मतलब यह है कि आप अगर हक जता सकते हो उस एसेट पे तो आप उसके मालिक हो, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। फाइनेंशियल लीज के केस में लेसर को डेप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, लेकिन हायर परचेज के केस में परचेजर को डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिल जाता है। ठीक है, हमने फाइनेंशियल लीज का मतलब भी आपको समझा दिया, फाइनेंशियल लीज बेसिकली लीज है नहीं, वो एक मुखौटा है, और इसमें क्या किया जाता है, जितना एसेट का पैसा होता है ना वो पूरा हम किराया बोल बोल के लेते हैं, ठीक है, ब्याज वह सब ले लेते हैं किराया बोल के ही, यही तरीका होता है। और एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन जो किराया दे रहा है ना बंदा वो मालिक बन जाता है एसेट का, क्योंकि हम पूरा पैसा निकाल लेते हैं एसेट का और उसको मालिक बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम होता है फाइनेंशियल लीज का। और क्यों करते हैं हम लोग, ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि बहुत दिक्कत है, आज किसी को भी कुछ बेच दो और वो पैसे नहीं देगा तो बड़ा दिक्कत है उसकी रिकवरी के लिए, बड़ी परेशानी होती है रिकवरी में, और इसलिए लोग उधार में देना नहीं चाहते कोई भी चीज, और लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल लीज ये एग्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में आप ये सब चीज देखने को मिल जाएगा, आप रिक्शे वाले से टेम्पो वाले से जरा कभी बात कीजिए, वो पूरा फाइनेंशियल लीज आपको समझा देंगे, पूरा समझा देंगे, आई गारंटी, आपसे ज्यादा उनको मालूम है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल लीज पे लेके बैठे हैं, बस उनको ये नहीं मालूम है फाइनेंशियल लीज है, तो आप भी कुछ उनको सिखा देना, जब वो टेम्पो वाला सारी बात बताए तो बताना तुमने फाइनेंशियल लीज पे टेम्पो लिया है, बड़ा खुश होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास में आएंगे तो हम आपसे आगे की बात करेंगे। अभी जो हम लोग ने सीखा वो सेक्शन 30, 31 एंड 32 सीखा, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड में। 30 में क्या था, रेंट रेस्ट टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग था। 31 में क्या था बच्चों, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर था। 32 में डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बहुत समय लेगा जब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। डिप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए दो कंडीशन होती है, आप उसके ओनर होने चाहिए, दूसरी बात वो आपके बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, विल स्टॉप हियर।